अबे भाई सुन। हाँ भाई बता। एक कंपनी है जिसको ज्वाइन कर लेगा तो 2 से 3 महीनों में करोड़पति बन सकता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन करना क्या होगा भाई? अरे कुछ नहीं यार, सिंपल है। जैसे मैं तुझे ऐड कर रहा हूँ अपने जरिए ना, बस तुझे भी अपने जरिए कुछ कैंडिडेट्स को ऐड करना होगा। इस तरह से एक नेटवर्क बनता जाएगा, वो लोग किसी और को ऐड करेंगे, फिर वो लोग किसी और को ऐड करेंगे, और जितने लोग भी तेरे नीचे ऐड होंगे ना, उन सबका पैसा तुझे मिलेगा। मर्सिडीज होगी, ऑडी होगा, पैसा ही पैसा होगा भाई। लेकिन देख भाई, मुझे ऐसे अमीर होने का कोई शौक नहीं। मैंने देखी है गोविंदा और अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्में, और मुझे पता है हर अमीर लड़की को एक गरीब लड़का जरूर पसंद आता है। और अगर उसके पिताजी ने खाली चेक दे दिया तो उसमें क्या, चेक लेकर फेंकेंगे थोड़ी ना, भर देंगे 10-20 लाख रुपए। और हाँ, दोबारा अगर ऐसी घटिया कंपनी का घटिया प्रचार लेकर मेरे सामने आया ना, तो इतना मारूंगा कि सुबह उठ तो जाएगा लेकिन बैठ नहीं पाएगा। चल निकल तुरंत यहाँ से। जय हिंद दोस्तों। क्या आपने न्यूज़पेपर में छपने वाले इन विज्ञापनों के बारे में पढ़ा है कि हर महीने घर बैठे कमा सकते हैं आप 30,000 रुपए तक, या फिर एक बिजनेस आइडिया जिससे आप लाखों कमा सकते हैं। दोस्तों, जब आपसे कोई ऑनलाइन, जैसे आपका यूपीआई पिन एंटर करवा के आपका ओटीपी मांगकर या फिर सीवीवी मांगकर फ्रॉड करता है, तो उसे साइबर फ्रॉड या साइबर स्कैम के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब कोई आपके सामने से अपनी बातों में फंसाकर किसी बड़ी कंपनी में जोड़ने का झांसा देकर आपको ठग जाए, तो उसे MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की बातों से ये लोगों को ट्रैप करते हैं। इनकी कुछ रट्टी रटाई लाइंस होती हैं। जैसे ये बताते हैं कि आपको बिना MBA किए हुए MBA के लेवल से ऊपर की जॉब मिल जाएगी, ये छोटे मोटे इंजीनियर तो आपके पैरों तले रहेंगे, साथ ही इस जॉब में आपके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगा, और सबसे अच्छी बात, आप ही खुद के बॉस रहोगे, आपके ऊपर कोई नहीं रहेगा, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, बातचीत होगी। और वो आपको समझाते हैं कि जब आप जॉबलेस होते हैं तो आपके पास मनी नहीं होता लेकिन टाइम बहुत होता है। लेकिन कहीं आपकी जॉब लग जाए किसी प्राइवेट सेक्टर में, तो आपके पास मनी तो होता है लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता। लेकिन इस जॉब में, MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के जॉब में, आपके पास पैसा भी रहेगा और उसको खर्च करने के लिए टाइम भी रहेगा। और साथ ही किन लोगों को टारगेट करना है, ये भी इनके प्लानिंग का एक अहम हिस्सा होता है। तो ये लोग टारगेट करते हैं मजबूर, परेशान और जॉबलेस यूथ को। बस इनको पता चलना चाहिए कि कोई लड़का या लड़की फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रही है। अब आप ही बताएं कि आज के ज़माने में किसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी पंडित जी के सामने हाथ दिखाने जाएंगे तो वो आंख मूंद कर बता सकते हैं कि बेटा थोड़े पैसे की प्रॉब्लम चल रही है। तो फिर आप भी कहोगे कि हाँ पंडित जी, पैसे की प्रॉब्लम तो चल रही है थोड़ी। लेकिन ये MLM वाले आपको रोड के किनारे किसी टपरी पे चाय की या फिर किसी मंदिर के सामने नहीं, बल्कि आपको ले जाते हैं एक प्रोफेशनल सेमिनार में। वहां पे इनके जितने भी चेले चपेटे होते हैं सब एक सूट बूट में होते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप ध्यान से देखें तो उन सबके चेहरे पर 12 बजे होते हैं। ऐसा लगता है पिछले 2 दिनों से खाना ना मिला हो। इस सेमिनार में आप जैसे बहुत लोगों की भीड़ दिख जाएगी आपको। वहां पे एक स्क्रीन पर अडानी, अंबानी, एलन मस्क जैसे बड़ी सक्सेसफुल लोगों की पिक्चर चलाई जाती है और आपको मोटिवेट किया जाता है। आपको बिल्कुल लगने लगता है कि अगर मैंने इसे ज्वाइन कर लिया तो जल्दी ही मैं भी एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन आप जैसे ही इसे ज्वाइन करते हैं, एकदम से हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, और धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट के चक्कर में आप भी उन्हीं चेले चपाटों के भीड़ में शामिल हो जाते हैं। देखिए, फायदे तो इस कंपनी को ज्वाइन करने के कोई भी नहीं है, लेकिन बताते हैं आपको कि नुकसान क्या क्या है। जब आप खुद तो ज्वाइन कर लेते हो लेकिन और लोगों को इससे जुड़ने के लिए मोटिवेट या कन्विंस करते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से इरिटेट होने लगते हैं और कटने लगते हैं। आपका मोरल, मोटिवेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे डाउन होने लगता है। लोग आपको आपके नाम से कम और नेटवर्किंग वाले के नाम से ज्यादा बुलाते हैं, या फिर उस नाम से बुलाते हैं जो कंपनी आपने ज्वाइन की है, जैसे एमी वाला, इबीज वाला, ETC ETC। ये सारी तो प्रॉब्लम्स थी बेसिकली, लेकिन इससे बचने के सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? तो इसका सॉल्यूशन नंबर 1 दोस्तों, आप जिस भी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं, चाहे वो अडानी, अंबानी, एलन मस्क, कोई भी हो, उनके लाइफ का जनरली एक DSS फार्मूला होता है, यानी कि ड्रीम कभी भी सेक्रीफाइस या स्ट्रगल के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो ये बात तो तय है कि दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो बिना मेहनत के आपको लाखों करोड़ों दे दे।
और दूसरा सॉल्यूशन आपको प्रॉब्लम्स का रोना बंद करना होगा। देखिए लाइफ में एक या दो दोस्त ऐसे जरूर होने चाहिए जिनको आप ये बता सको कि मेरी लाइफ में क्या अप्स क्या डाउन चल रहे हैं या फिर किस प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर रहा हूँ अभी। लेकिन ये नहीं कि किसी से मिले दो दिन भी नहीं हुआ, चार बातें भी नहीं हुई और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का चिट्ठा उसके सामने खोल कर रख दिए कि यार मेरी लाइफ में ये तो मेरी लाइफ में वो हो रहा है, इतनी समस्याएं हैं लाइफ में, मैं क्या करूं राम। नहीं, जिनसे मिलो खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करो कि अगला भी बोले कि यार क्या बंदा है। अगर उसके माइंड में कहीं आपको डीमोटिवेट करने का फैक्टर भी चल रहा हो तो वो खुद मोटिवेट हो जाए आपसे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखते टाइम खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। चलिए वीडियो को तो यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन एक शिकायत है आपसे, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही इसे अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते हो, तो प्लीज ऐसा ना करें, हमारा भी ख्याल रखें थोड़ा। बाकी आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मुलाकात होगी जल्दी ही किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।